शुरुआत करेंगे देश के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में। स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि केंद्र सरकार व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मई महीने को देश भर की 100 स्मार्ट सिटीज की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि देश भर में इंदौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी कंपनी के मुताबिक ये रैंकिंग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टरों के पूरा होने, जो प्रोजेक्ट हैं उनके पूरा होने, टेंडर संबंधित जो प्रक्रिया है, बजट के उपयोग के आधार पर जारी किया जाता है। इंदौर स्मार्ट सिटी देश के 100 शहरों की तुलना में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दूसरे पायदान पर है। इंदौर को मिले हुए दूसरे स्मार्ट सिटी रैंकिंग शहर को लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि ये रैंकिंग एक सप्ताह में बदल जाती है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते शहर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके कारण फिलहाल सभी प्रोजेक्ट बंद चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही शहर से लॉकडाउन खत्म होगा तो निगम की पहली प्राथमिकता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा करने की रहेगी। देखिए, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें फिजिकल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स की, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनते हैं और फिर एक मैट्रिक्स के बाद ये रैंक डिसाइड होती है। तो जो अभी रैंक डिसाइड हुई उसमें हम लोगों ने बीच में कुछ पेमेंट्स किए हैं, कुछ चूँकि खाली समय था तो इस समय टीम ने बाकी सभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी हैं। कुछ टेंडर्स जो लाइव थे उन टेंडर्स को, जो लाइव नहीं थे उनको टेंडर्स को लाइव किया है, तो ये सभी चीज़ें भी रैंकिंग में प्लस होती हैं। तो इसी वजह से ये रैंकिंग सेकेंड पे आई और ये बहुत ही मोबाइल रैंकिंग है। हर सप्ताह, हर फोर्टनाइटली ये चीज़। एक दिवसीय सिंगरौली दौरे पर पहुंचे कोविड प्रभारी मंत्री ने यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में अनलॉक के विषय पर चर्चा की है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा कर ली गई है। इसके बाद पूरी रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी, जहाँ से जिले में अनलॉक की प्रक्रिया का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर प्रभारी मंत्री ने बताया है कि कोरोना वायरस का तीसरी लहर के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं पर जल्द ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में वेंटिलेटर्स न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैसा दे दिया है, जल्द ही जिले में इसकी व्यवस्था भी करवा ली जाएगी। ये तो गाइडलाइन आज हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आज 4 बजे से बैठक है, फिर 7 बजे प्रदेश के नाम संबोधन दे रहे हैं और कल शाम तक किस तरह इसको अनलॉक किया जाएगा। हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री अपना वहाँ से निर्देश आदेश जारी करेंगे। अभी तो हम जिले की आपदा प्रबंधन की बैठक लिए हैं कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम जो गाइडलाइन यहाँ से जारी करेंगे, वहाँ के जिले की आपदा प्रबंधन अपने अनुसार जिले में क्या जरूरत है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। रीवा में 1 जून से जिला प्रशासन का कोरोना को रोकने व बाजार खोलने को लेकर निर्णय लिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक की गई और जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब 50% दुकानें खोलने पर सहमति बनेगी। एक दिन राइट साइड और एक दिन लेफ्ट साइड की जो दुकानें हैं वो खोलने पर सहमति बनी है। वहीं पर बसों में 50% व ऑटो में 2 यात्रियों की अनुमति दी गई है। साथ ही शादी विवाह में 10 लोगों की अनुमति रहेगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा ने सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए वेपोराइजर मशीन भेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देशन में सेवा ही संगठन अभियान के तहत कोरोना संकट काल में सफाई कर्मियों द्वारा किए गए सेवा कार्यों को सम्मानित करते हुए वेपोराइजर मशीन, फेस शील्ड, सैनिटाइजर व मास्क भेंट किए गए हैं। इस सेवा कार्य में वरिष्ठ भाजपा नेता विजय तिवारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। रीवा के मऊगंज से बीजेपी विधायक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर अधीक्षण यंत्री कार्यालय पर विधायक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अकेले ही मौन धरने पर बैठ गए। मऊगंज में बिजली की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या दूर नहीं की जा रही थी। वहीं पर बीजेपी जो बिजली की समस्या है उसको लेकर मऊगंज से भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल रीवा में
एसई कार्यालय में गद्दा बिछाकर मौन धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की और चुपचाप लेटे रहे। दरअसल मऊगंज विधानसभा के कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है और लोग परेशान हैं। कई बार अधिकारियों को इसके बाबत बताया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पाई, जिससे नाराज होकर विधायक जी ने इस अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। सिंगरौली जिले में जिला प्रशासन की कार्यवाही के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद हैं और मेडिकल संचालकों ने विरोध दर्ज कराया है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि प्रशासन ने अचानक फरमान देकर शहर के आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर सील कर दिए, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। असल में जिला प्रशासन ने इस बात पर आदेश जारी किया था कि मेडिकल स्टोर संचालक अगर किसी सर्दी जुकाम या फिर बुखार के व्यक्ति को दवाइयां देते हैं तो उनका नाम पता और उसका मोबाइल नंबर बाकायदा जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए गूगल मीट पर दर्ज करेंगे। लेकिन कई मेडिकल स्टोर संचालकों को ये जटिल प्रक्रिया समझ में नहीं आई, जिसके चलते मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई होने लग गई। हालांकि देर शाम एक बैठक के बाद में एसडीएम ने दुकान खोलने की अनुमति तो दे दी, साथ ही निर्देशित भी किया है कि सभी लोग गूगल शीट पर हर हाल में उसे भरें। समस्या ये है कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कल जो रात में दो तीन दुकानों को सील कर दिया गया है और कारण पूछने पर यह बताया गया कि कोई लिंक भेजी गई थी, जो कि हर दुकानदार किसी हमारे समझ से किसी दुकानदार को प्राप्त नहीं हुई। सारे दुकानदार साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उस लिंक पर हमको फीवर वगैरह की जो दवाई लेते हैं उनकी जानकारी अपडेट करनी थी, चूँकि हमको लिंक मिली ही नहीं। और दूसरी चीज़, कोविड महामारी के तौर पर वैसे भी गाँव देहात से मरीज आ नहीं रहे, बुखार आदि की दवाइयाँ हम लोग जो डॉक्टर के पर्चे पर ही देते हैं और सभी जो एक दो दुकानदारों की ना कहिए, बाकी कोविड से संबंधित जैसे आपकी फेवी फ्लू वगैरह जो अभी इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, तो वो सारी दवाएं एक दो दुकानों में ही बिकती हैं जिनके द्वारा उनका रिकॉर्ड अपडेट किया गया है, बाकी अन्य दुकानों में बिकी नहीं। तो ऐसा रिकॉर्ड कोई प्रश्न नहीं उठता और किसी मरीज से हम लोग जानकारी लेने का प्रयास भी करते हैं तो ज़्यादातर मरीज ये देने से सीधे सीधे मना करते हैं। हड़ताल में नहीं थे, उनकी अपनी बात थी। एक्चुअली क्या है कि कलेक्टर साहब के आदरणीय कलेक्टर साहब ने एक निर्देश दिया था, जो भी कोरोना के लक्षणों की दवाई लेने आए तो उनको गूगल फॉर्म में फीड कर दें, जिससे वो संक्रमण की चेन ना बढ़े। वो फॉर्म कुछ लोगों ने नहीं फीड किया तो उसके संबंध में कार्रवाई की गई थी, दो या तीन दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई थी। अब हमारी मीटिंग हो गई है और समस्त दवा व्यवसायी जितने विक्रेता हैं वो सहमत हैं कि हम ये जानकारी अति आवश्यक जानकारी है, जिससे कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने की चेन को। कोरोना महामारी ने वर्षों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं को भी ध्वस्त करके रख दिया है। हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार के बाद में अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने की मान्यता है, जिससे कि आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार के बाद में अवशेषों को मुक्ति का इंतजार है। गुना जिले में ऐसे कई मुक्तिधाम हैं जहां पर थैलों में बंधे हुए अवशेषों को देखा जा सकता है। लगभग एक महीने से अधिक गुजरने के बाद भी अवशेष गंगा में प्रवाहित होने की राह देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कई लोग दाह संस्कार से पहले अपने स्वजनों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए अवशेषों को मुक्तिधाम के लॉकर में रखा गया है। इंदौर के सदर बाजार इलाके से लगातार शिकायतों के बावजूद कुछ नेताओं के संरक्षण में दुकानें खोली जा रही हैं। इन चाय की दुकानों और होटलों पर चलाई जा रही जो कोरोना गाइडलाइंस, उनका पालन नहीं हो रहा, जिस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और कार्रवाई की है। बड़वाली चौकी स्थित हुसैनी होटल के आसिफ हुसैन को समझाने के बावजूद चाय व अन्य सामग्री बेचने पर धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी इसके भाई पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके खुद को व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हुए राजिक बाबा के संरक्षण में और भी दुकानें संचालित की जा रही हैं। वहीं दुकानें देखने को मिल रहा है कि लगातार खुल रही हैं। पुलिस पर दबाव बनाकर अक्सर आरोपियों को छुड़ाने के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। भाई आरिफ उस पर भी 188 की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से उस होटल को
खोल लेते हैं, फिर से चाय बेचते हैं। हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही है, नगर पालिका की पार्टियाँ घूम रही है, मैं भी घूमता हूँ। तो लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन का लोगों का सख्ती से पालन करें, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते, तो समय समय पर। एमपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां पर एक मासूम की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार इस वक्त राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है, जहां पर एक नवजात शिशु का मौत का मामला सामने आया है। वहीं मौत का मामला सामने आने के बाद से पीड़ित परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। दरअसल परिजनों का आरोप था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के स्टाफ की लापरवाही से उनके मासूम शिशु की मौत हो गयी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों के अनुसार प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्वस्थ शिशु को प्रसूता ने जन्म दिया था। वहीं शिशु को ऑक्सीजन की कमी हुई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वहीं टाइम पर शिशु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। बच्चे को तो भाई साहब बिल्कुल बोला डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, दो दिन की उन्होंने बोला था, दो दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होगी। फिर गोलियां दवाई दी, फिर रास्ते में अचानक पेट में दुखा, तो फिर यहाँ अस्पताल लेके आए, सरकारी अस्पताल। फिर यहाँ डॉक्टर ने डिलीवरी होने के बाद में 15-20 मिनट बाद बोल रहे बच्चे ख़त्म हो गया। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं भाटी साहब के वहाँ लेके गया बच्चे को, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर इनकी सांसें चल रही थी तो डॉक्टर ने बोलना था ना पहले मेरे यहाँ लेके आना था, मैं बच्चे को बचा सकता था। बाकी कहने का मतलब ये है कि सरकारी अस्पताल में ना तो कोई अच्छा डॉक्टर है, ना तो कोई बैठने का बेड है, ना कुछ भी सुविधा नहीं। इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरा खुद का बच्चा चला गया। वहीं जब इस पूरे मामले पर नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर जगदीश गहलोत से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर इस घटना को नकार दिया। उन्होंने कहा कि शिशु मृत अवस्था में पैदा हुआ था, शिशु की केवल धड़कने चालू थी। परिजनों के द्वारा अस्पताल पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी बेबुनियाद हैं। इसमें स्टाफ की कोई भी लापरवाही नहीं है। वहीं अगर परिजन मामले से संतुष्ट नहीं है तो शिशु का पीएम करवा सकते हैं। बच्चा मृत ही पैदा हुआ था, और उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है, ना ही अस्पताल की कोई लापरवाही। मैं मंदसौर ड्यूटी करके तत्काल यहीं पे पहुंचा, आज मंदसौर ड्यूटी इमरजेंसी करके आया था, और जैसे ही मुझे कॉल आया इमरजेंसी, तत्काल मैं पहुंचा यहां पे। फिलहाल अस्पताल का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पीड़ित परिवार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध कर रहा है। परिवार ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी काटा और सीएम शिवराज से भी मामले की शिकायत करने की बात कही है। बहरहाल मामले की हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस मामले के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप जरूर लग गए हैं। मंदसौर से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।